हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आपका स्वागत है मेरी किचन पर। आज मैं बनाने वाली हूं जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है, तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम मैंने यहाँ पे गार्लिक लिया है, लहसुन की कलियाँ लिया है, उसे मैंने अच्छे से साफ करके इसे छील लिया है। और इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं होना चाहिए, इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी रहे उसे आप सुखा लीजिए। बिल्कुल ऐसे साफ सुथरा करके इसे हमें अलग कर लेना है। अब 50 ग्राम मैंने यहाँ पे जिंजर लिया, अदरक लिया, अदरक को भी हम अच्छे से साफ करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल के इसे सुखा लेंगे। चुटकी भर यहाँ पे हम नमक लेंगे, इससे क्या होगा हमारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा। और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, इससे काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेगा और महीनों चलेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो ये अदरक का टुकड़ा है उसे हम बारीक काट लेंगे। हम अदरक को क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये बड़ी ही आसानी से मिक्सी के जार पे पिसा जाएगा। तो ऐसे करके हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे करके आप इसे रफली चॉप कर लें। ऐसे करके हम इसे चॉप कर लेंगे। अब जिंजर गार्लिक बना के स्टोर करें। इससे क्या होगा, जब भी आप कोई सब्जी बना रही हैं, कोई कड़ी बना रही हैं, तो आप इसे यूज करें। इससे बहुत ही ये आसान रहेगा आपके लिए। तो आप चाहे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के इसे रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहते हैं। तो ऐसे करके हम इसे रफली चॉप कर लेंगे ताकि ये बड़े ही आसानी से मिक्सी के जार में ब्लेंड हो जाए। ऐसे करके सारे जो हमारे अदरक के टुकड़े हैं उन सबको हम कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे रफली चॉप कर लिया। अब मैं एक मिक्सी का जार लूँगी, इसमें हमने जो कटा हुआ अदरक है उसे डालेंगे, लहसुन की कलियाँ डालेंगे और इसमें हमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो जिंजर गार्लिक है वो अभी दरदरा पिसा चुका है। अब हम इसमें चुटकी भर नमक ऐड करेंगे और 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और फिर से इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। मिक्सी का जो ढक्कन है वो क्लोज़ करें और उसे एक बार अच्छे से और ब्लेंड कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। देखिए अब हम इसे एक एक कंटेनर में डाल देंगे, एयरटाइट कंटेनर में। ऐसे करके इसे आप ट्रांसफ़र कर दें। ये पेस्ट काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेंगे क्योंकि इसमें हमने कोई पानी का यूज़ नहीं किया है। तो ऐसे करके आप इसे एक एक एयरटाइट कंटेनर में रख दें सारा पेस्ट निकाल के। ये देखिए यहाँ पे हमने सारा पेस्ट को एक बॉक्स पे ट्रांसफ़र कर दिया है। हम इसका लिड क्लोज़ कर देंगे, इससे काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।